क्या बीज देखकर उसमें छिपे वृक्ष को पहचानना संभव है? नहीं गणेश, उसके लिए तो बीज को बोना आवश्यक होता है। यदि तुम्हें पूर्व ज्ञात ना हो पुत्र, किस छोटे से बीज से विशाल वृक्ष उग सकता है? संभव है कि तुम उस बीज पर विश्वास ना कर उसे व्यर्थ समझोगे। जब किसी स्त्री के प्रियजनों पर संकट आए तो उनकी रक्षा हेतु तो उसका प्रचंड क्रोध फूटता है, फिर उस क्रोध के समक्ष टिक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। विनाश ही विनाश होता सर्वत्र, विनाश ही विनाश। उसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, पूर्ण मोह से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश। और जिस व्यक्ति का बुद्धि नाश हो जाए उसका अधः पतन होना तो निश्चित है। सत्य ज्ञात होते हुए भी आपको उसका विस्मरण हो गया और परिणाम आपकी असफलता। इसी प्रकार आप और भी कई सत्य जानते हैं लोहिता, परंतु जब तक आप अपने अहंकार को नहीं त्यागते, जब तक प्रतिशोध की भावना से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपको इन तथ्यों का विस्मरण होता रहेगा। आप सत्य को जानते हुए भी पहचान नहीं पाएंगे, असफलता ही मिलती रहेगी। इसलिए परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन अनिवार्य है। दृष्टिकोण ही आपके जीवन की सफलता का रहस्य है लोहितांग। कि मेरे प्रति उसकी ये घृणा, उसका ये द्वेष, ये क्रोध, ये केवल उसे ही क्षति पहुंचा रहा है। टूटता जा रहा है वो अंदर ही अंदर, नष्ट हो रहा है वो। और मेरे लिए ये देख पाना सरल नहीं।